मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन यानी DOT ने मोबाइल यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक टेलीकॉम विभाग का नाम बताकर फ्रॉड कॉल किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने जांच में पाया है आपके नंबर से गलत काम किया जा रहा है। ऐसे में आपके मोबाइल नंबर को डिस्कनेक्ट करने का निर्देश दिया गया है। डॉट की माने तो इस तरह काम के लिए विदेशी मोबाइल नंबर जैसे +92 का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही इन्हीं नंबरों से व्हाट्सएप कॉल की जा रही है। सरकार एडवाइजरी के मुताबिक स्कैमर्स नंबर ब्लॉक करने की धमकी देकर लोगों की पर्सनल चीजें चोरी करके बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने साफ किया है कि डॉट अपनी ओर से ऐसी कोई कॉल नहीं कर रहा, साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर आपके पास ऐसी कॉल या मैसेज मिलते हैं तो आपको संचार साथी पोर्टल www.sancharsathi.gov.in की चक्षु रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन सुविधा पर रिपोर्ट करना है। सरकार संचार साथी नो योर मोबाइल कनेक्शन सर्विस की मदद से रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन की जांच की जा सकती है और ऐसे नंबर को ब्लॉक किया जा सकता है। बैंकिंग फ्रॉड होने पर साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1920 यानी 1920 पर कॉल और मैसेज करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर www.cybercrime.gov.in से रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो फोन से ऐसी कॉल और मैसेज को सीधे ब्लॉक कर सकते हैं।